दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे पीएमसी वर्सेस बीएके के बीच होने वाले आज के पहले ईसीएस सीटन बार्सिलोना सीरीज के बारे में एक एक प्लेयर का पूरा एनालिसिस बताऊंगा। कौन किस नंबर पे बल्लेबाजी के लिए आने वाला है, कौन कितने ओवर बॉलिंग करके देगा इस मैच का, आपके लिए पिच रिपोर्ट क्या होगा, प्लेइंग 11 क्या होगा, प्लेयर्स बदल क्या होगा, कौन से बॉलर शुरू के ओवर्स में बॉलिंग करेंगे, कौन से बॉलर्स आखिरी के ओवर्स में बॉलिंग करेंगे, ग्रैंड लीग में आपको कैसे रोटेशन करने हैं, सभी चीज़ों के ऊपर वन बाय वन बात करने वाले हैं। बस अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हो, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपके लिए फ्री का लाल बटन है, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। उसके अलावा अगर आपको 100 जाने के लाइनअप आ जाने के तो इसी मैच के हमारे खुद की फाइनल टीम से हो, जिस टीम से मैं खुद पैसे लगाऊंगा, तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम सर को ज्वाइन होना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पे मैं 100 जाने का लाइनअप आ जाने का तो अपनी टीम का स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ, वो भी फ्री में। तो ज्वाइन करना मत भूलना, हमारे टेलीग्राम सर को फ्री की फाइनल टीम आपको देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम सर का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन सेक्शन में सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा। ना मिले तो आप सीधे सीधे कमेंट सेक्शन में जाना, सबसे पहला सबको कमेंट पिन किया हुआ देखने को मिलेगा, उसमें भी आपको हमारे टेलीग्राम सर का लिंक देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते कौन सी टीम मैच जीत सकती है। देखो सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा दोनों ही टीमों के पास काफ़ी बड़े बड़े लेवल के प्लेयर है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पाक या मौकेदा के प्लेयर्स के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करके टीम बनाना चाहिए एज कम्पेयर टू बांग्लादेश किंग के प्लेयर्स के हिसाब से। बात करें एक एक प्लेयर के एनालिसिस पे, तो सबसे पहले देखो ऑलराउंडिंग ऑप्शन है, आप बहुत सारे अच्छे प्लेयर रहेंगे। नंबर वन चॉइस रहेगा एच सलीम दर, जो कि बल्लेबाजी में भी ओपनिंग करने आएगा मैक्सिमम टाइम मैचेस के अंदर, टी टेन के मैचेस में इस सीरीज के अंदर, प्लस बॉलिंग से भी आखिरी जो सीरीज गया हुआ है ना टी टेन का, वहाँ पे हर मैच दो दो ओवर बॉलिंग पूरा कर रहा था। आखिरी की जो इसने 19 टी टेन के मैचेस खेल रखे हैं, वहाँ पे इसने करीब 26 ओवर बॉलिंग किया है, जहाँ पे इसको 19 विकेट भी मिले हुए हैं, प्लस इसने बल्लेबाजी से भी 19 मैचेस के अंदर आपने देखा हुआ है 29 के एवरेज रन बना करके दिया हुआ है, यानी कि बल्लेबाजी में भी मेन आपको मेन बल्लेबाज देखो मिलेगा, बॉलिंग से भी दो ओवर पूरा करेगा। इस मैच के लिए आपके लिए वन के फॉर्मूले स्मॉल लीग ग्रैंड लीग सभी जगह के लिए नंबर वन प्लेयर बन सकता है। उसके बाद यहाँ से सैफुल इस्लाम, जो कि बांग्लादेश किंग की टीम कोर से दो आपको इस्लाम देखने को मिलेंगे। मैं इस वाले ऐसे इस्लाम की बात कर रहा हूँ, सैफुल इस्लाम की, जो कि बल्लेबाजी में भी ओपनिंग करेगा, प्लस आपको बॉलिंग से भी दो ओवर पूरा करके देने वाला है। आखिरी के जो इसने 17 मैचेस के लिए वहाँ पे इसने 31 ओवर बॉलिंग भी कर रखा है, जहाँ पे इसको 14 विकेट भी मिले हुए हैं बॉलिंग से, प्लस बल्लेबाजी में भी इसने 17 मैचेस के अंदर करीब करीब इसने 311 के करीब रन पर आकर के आया हुआ है, यानी कि रिकॉर्ड इसका काफ़ी ज़्यादा शानदार है। यही दोनों वो प्लेयर्स रहेंगे जो कि इस मैच के लिए आपके केवीसी के लिए नंबर वन प्लेयर बन सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ओमर अली, जो कि मुझे लगता है कि बांग्लादेश किंग की टीम कोर्ट से बल्लेबाज में ओपनिंग करेगा, प्लस ये भी कई मैचेस में एक एक ओवर बॉलिंग कर लेता है। आखिरी के जो इसने 19 मैचेस के लिए वहाँ पे इसको बॉलिंग से 9 विकेट मिले हुए, भले ही बॉलिंग बहुत ज़्यादा मिल नहीं रही है, लेकिन हाँ कई मैचेस में बॉलिंग मिल भी रही है, प्लस इसने बल्लेबाजी में भी 19 मैचेस के अंदर करीब 12 के एवरेज रन बना करके आया हुआ, यानी कि बल्लेबाजी है उतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ ओपनिंग भी करेगा बॉलिंग भी करेगा, यानी कि ऐसा ऑलराउंडर आप एक अच्छा प्लेयर रह सकता है। आपको इसको अपनी जीएल यानी कि ग्रैंड लीग टीम में ज़्यादा से ज़्यादा लेकर के चलना होगा। अब्दुल्ला आमिर खान के साथ जाऊंगा, अगर मैं अब्दुल्ला आमिर खान की बात करूं, नाम भले ही ऑलराउंडर्स में, लेकिन मेनली जो है बॉलर है, मेनली जो है बॉलर है, बल्लेबाजी में आपको 6-7 नंबर करीब नजर आएगा, लेकिन हाँ बॉलिंग से आपको 2 ओवर पूरा करके देने वाला है। आखिरी की जो इसने 16 टी टेन के मैचेस खेले वहाँ पे इसको 16 विकेट मिला हुआ है, हर मैच से 2 ओवर बॉलिंग पूरा करके देने वाला है। उसके बाद यहाँ से एक और अच्छा प्लेयर रहेगा इब्रार हुसैन, मुझे नहीं लगता इसको प्लेइंग 11 में खिलाया जाएगा, लेकिन हाँ आखिरी की जो इसने 26 टी टेन के मैचेस खेले वहाँ पे इसको 27 विकेट मिले हुए हैं, 2 ओवर बॉलिंग पूरा करेगा अगर इसको खिलाया जाएगा तो अगर ये खेल रहा है तो इब्रार हुसैन के ऊपर आपको ध्यान दे करके चलना है। उसके बाद यहाँ से एम मुगल आसिफ के साथ जाऊँगा, जिसका रिसेंटली फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ प्लेयर काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का है। आखिरी के जो इसने 12 टी टेन के मैचेस खेले वहाँ पे इसका एवरेज आपको 28 के करीब का देखने को मिला हुआ है बल्लेबाजी से, यानी कि काफ़ी शानदार बल्लेबाज है, प्लस कई सीज़न ऐसे भी गया हुआ जहाँ पे इसने बॉलिंग भी कर रखा है, यानी कि ऐसा ऑलराउंडर आपके काफ़ी अच्छा प्लेयर रहने वाला है। उसके बाद यहाँ से एच अमीनुल की बात करूँ, मेनली जो बॉलर है आखिरी के 26 टी टेन के मैचेस में इसने 27 विकेट मिला हुआ है, हर मैच में बॉलिंग से विकेट देगा बॉलर है, 2 ओवर बॉलिंग पूरा करेगा, आपके लिए अच्छा प्लेयर रह सकता है। बाकी 4 ही ऑलराउंडर्स को लिया जा सकता है, यही रीज़न है कि मैं एच अमीनुल को लेकर के नहीं जा पाया हूँ। दूसरा यहाँ से मुझे लग नहीं रहा कि इब्रार हुसैन खेलेगा, और तीसरा यहाँ से ओमर अली, ये दो प्लेयर्स को आपको अपनी जीएल की टीम में यूज़ करके चलना होगा। बात करें यहाँ से बल्लेबाजी ऑप्शन है, तो नंबर वन चॉइस आप ले रहेगा जिसका नाम आपको यहाँ से देखने को मिलेगा एम आर्मघन खान, जो कि पीएमसी की टीम कोर्ट से बल्लेबाज में ओपनिंग करेगा, हर बॉल पे छक्के चौके मारने वाला प्लेयर है, हर बॉल पे छक्के चौके मारने के साथ साथ लंबी लंबी
इनिंग खेल के दे सकता है। आखिरी जो सीरीज गया हुआ था 30 रन का, वहाँ पे 30 रन के मैच में एक सेंचुरी भी मार के आया हुआ है, यानी कि लंबी पारियां खेल के दे सकता है। हर बॉल पे सिर्फ और सिर्फ छक्के मारने वाला प्लेयर है। आपको लगभग 33 का एवरेज देखने को मिला हुआ 30 रन के मैचेस में, आखिरी के 9 30 रन के जो इसने मैचेस खेला है 33 का एवरेज है, तो शानदार प्लेयर है, लेकर के जरूर चलना है। उसके बाद यहाँ से शुभदीप, यहाँ से देव की बात करूँ तो बल्लेबाज में ये भी आपको तीसरे चौथे नंबर पर नजर आ जाएगा। प्लस आपको आखिरी की जो इसने 16 30 रन के मैचेस खेला, इसका भी एवरेज आपको करीब करीब 27 के करीब का देखने को मिला हुआ। और प्लेयर ऐसा है ना जो कि हर मैच में आपको रन बना के देगा, तो लेकर के जरूर चलूंगा। गुलाम सबर, बहुत कम मैचेस में इसको प्लेइंग 11 में खिलाया जाता है, लेकिन जब भी खेलता है तो स्पिनर बॉलर है, स्लो बॉलर स्पिनर बॉलर है, और स्पिनर बॉलर यहाँ पे अक्सर ही विकेट टेक की बॉलिंग करा करके देते हैं। अगर ये खेलेगा तो आखिरी के ओवर्स में बॉलिंग करेगा, और आखिरी के ओवर्स में अगर बॉलिंग करेगा तो विकेट टेक वाला बन सकता है, ये चीज़ को फोकस करना है। तो अगर ये खेल रहा है और अगर आपको लग रहा है कि ये बॉलिंग करने वाला है, यानी कि 5 ही बॉलर्स खेल रहे हैं, तो ये आपको एक अच्छा प्लेयर रह सकता है। उसके बाद यहाँ से कोई भी इतना अच्छा प्लेयर नजर नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ से लेकर के चलने वाला हूँ जुबैद मियाँ के साथ। जुबैद मियाँ की बात करूँ तो बल्लेबाज में आपको 4 नंबर पे नजर आ जाएगा। कई ऐसा सीजन भी गया हुआ जहाँ पे इसने ओपनिंग भी कर रखा है, लेकिन मैक्सिमम टाइम बल्लेबाज में 4 नंबर पे आएगा। आखिरी की जो इसने 9 T10 के मैचेस खेल रखे हैं, वहाँ पे करीब करीब इसने 211 रन बना करके दिया हुआ, तो प्लेयर काफी शानदार है, इसको भी लेकर के चलने वाला। बात करेंगे अपने विकेट कीपिंग सेक्शन में। उससे पहले आप ऐसे जितने भी लोग अभी जगह हमारे टेलीग्राम सर्कल ज्वाइन नहीं हुआ तो ज्वाइन जरूर जाना, क्योंकि 100 जाने का लाइनअप आ जाने का, जो भी हमारी खुद की फाइनल टीम होगी वो इसी तरीके से स्क्रीनशॉट के जरिए पूरे 11 प्लेयर पूरे केवीसी सभी चीज़ों के साथ टेलीग्राम सर्कल आपको फ्री में अपनी फाइनल टीम शेयर कर दूंगा। आप भी उस टीम से खेल सकते हो, करना कुछ भी नहीं है। जिस भी वीडियो को देख रहे हो उसके टाइटल के ऊपर आप क्लिक करोगे, टच करोगे तो सीधे डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाओगे। सबसे ऊपर आपको हमारे टेलीग्राम सर्कल का लिंक देखो मिल जाएगा, इस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप सीधे हमारे टेलीग्राम सर्कल को फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। ना मिले तो आप सीधे कमेंट सेक्शन बॉक्स में सबसे ऊपर आपको कमेंट पिन किया हुआ देखने को मिलेगा, उसमें आपको हमारे टेलीग्राम सर का लिंक देखने को मिल जाएगा, ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि यहीं पे मैं अपने खुद की फाइनल टीम भी आपको शेयर करूंगा। मान लो कोई नया प्लेयर खेल रहा हो तो उसका एनालिसिस भी शेयर कर दूंगा, बहुत सारे फ्री गिवअवेज के नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाते हैं। आगे कोई मैच मैं कवर कर रहा हूँ तो उसका भी आपको वहाँ पे अपडेट मिल जाएगा, यानी कि टेलीग्राम सर को ज्वाइन करना फ्री भी है, जरूरी भी है और आसान भी है। वहीं अगर बात करें अपने विकेट कीपिंग सेक्शन, रॉफ जमन के अलावा मुझे कोई भी इतना अच्छा प्लेयर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सारे का बल्लेबाजी क्रम काफी नीचे 90-10 नंबर करीब बॉलिंग करेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ एज अ विकेट कीपर खिलाया जाएगा, अगर खिलाया भी जाएगा तो। मैं यहाँ से रॉफ जमन को लेकर के चलूंगा। आखिरी के जो इसने 27 T10 के मैचेस खेले, वहाँ पे इसका बल्लेबाजी से एवरेज तो कोई ज्यादा शानदार नहीं है, लेकिन 237 के करीब रन बना करके दिया हुआ था। प्लेयर अच्छा है, कभी कभी मौका भी मिल जाता है, कई मैचेस में ओपनिंग कर रखा है, कई मैचेस में 4 पे आया हुआ है, तो प्लेयर अच्छा है, कई बार मौका मिल जाता है। बाकी विकेट कीपिंग सेक्शन उसके अलावा कोई अच्छा प्लेयर है भी नहीं। अब बॉलिंग ऑप्शन है, नंबर 1 चॉइस आपके लिए रहेगा, जिसका नाम आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, अदील रजा, जो कि हर मैच से 2 ओवर बॉलिंग पूरा करेगा। आखिरी को 19 टी10 के मैचेस में इसको 18 विकेट भी मिला हुआ है, हर मैच से 2 ओवर बॉलिंग पूरा करेगा। विकेट टेकर बॉलर आपको लेकर के जरूर चलना है, 1 ओवर शुरू के ओवर्स में बॉलिंग करेगा, 1 ओवर आखिरी के ओवर्स में बॉलिंग करके देने वाला है। उसके बाद यहाँ से एम रहमान को लेकर के चलूंगा। मैसूर रहमान की बात करो, जो कि बांग्लादेश किंग की टीम का सबसे मेन बॉलर है, बॉलिंग से 2 ओवर पूरा करेगा, इसम बॉलिंग करने वाला है। आखिरी के जो इसने 29 टी10 के मैचेस खेले हैं, वहाँ पे इसको 30 विकेट मिला हुआ है, तो जरूरी बॉलर रहने वाला है, लेकर के जरूर चलने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ से जुनैद अली, जो कि लेफ्ट आर्म पेसर बॉलर है, 2 ओवर बॉलिंग पूरा करेगा, हर मैच 2 ओवर बॉलिंग पूरा करता है। 12 जो आखिरी के T10 मैचेस खेला, वहाँ पे इसको 9 विकेट मिला हुआ है, हर मैच से 2 ओवर बॉलिंग पूरा किया, 24 ओवर बॉलिंग पूरा करके आया हुआ है। बॉलिंग से 1 ओवर शुरू के समय बॉलिंग करेगा, 1 ओवर आखिरी के उसमें बॉलिंग करने वाला है, 1 ओवर नवा ओवर बॉलिंग करता है और 1 ओवर दूसरा ओवर बॉलिंग करते हुए अक्सर नजर आ जाता है। इसके अलावा कोई भी इतना अच्छा ऑप्शन है नहीं। एमडी राहुल को बॉलिंग कई बार मिल नहीं रहा है, कई बार मिल भी जाता है तो लेकर के चल सकते हो। बाकी मैं यहाँ से किसी और की तारीफ करने वाला नहीं हूँ, कि यहाँ पे और कोई इतना अच्छा प्लेयर देखने को नहीं मिलने वाला। बाकी यहाँ से मान लो कोई ऐसा प्लेयर हो जो कि नया नया स्क्वाड में ज्वाइन हो जाए, या फिर किसी का नया का एनालिसिस मिल जाए, तो उसका जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो मैं अपने टेलीग्राम सर को आपको फ्री में शेयर कर दूंगा, तो ज्वाइन करना मत भूलना। टेलीग्राम सर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन बॉक्स में पिन किया हुआ देखने को मिल जाएगा। बात कर अपने कैप वीसी के बारे में, तो देखो सबसे पहले मैं कैप लेकर के चल रहा हूँ एच सलीम दर को, वीसी किसको लेकर के चलूंगा उसके आगे बात करेंगे। उससे पहले देखो मैं अपने पूरे पैसे जो है इस मैच के अंदर 11 चैलेंजेस और इस पोटेंशियल ऐप को लगा रहा हूँ। रीजन यहाँ पे आपको फैंटेसी के जितने भी एप्लीकेशन है
ना सबसे ज़्यादा आपको लो एंट्री फीस देखने को मिलेगा। यहाँ पर मेरे कहने पर फंसे हुए आपने 1000 रुपये लगाओ बिना हारी आपको 100 रुपये बचा लोगे, सिर्फ एंट्री फीस के रुपये 10,000 रुपये लगाओगे तो बिना हारी आपके 1000 रुपये बचा लोगे, सिर्फ एंट्री फीस के रुपये। उसके भी ऊपर से आपको 4 से 15% से बोनस के भी पैसे यूज़ करने को मिलेगा। 11 से 19 से 20 दोनों ही आपका लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जो अभी कभी वहाँ से डाउनलोड करके मेरे साथ खेलना शुरू कर सकते हो। इस मैच के अंदर मैं भी अपने पूरे पैसे जो है 11 से 19 से 20 पे ही लगाने वाला हूँ, तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा यहीं पर खेलना आपकी जीतने के चांसेस ज़्यादा रहने वाले हैं। वीसी मैं यहाँ से लेकर के चलूँगा सरीफुल इस्लाम के साथ, बाकी मैं ओमर अली को लेने का सोच रहा हूँ। ओमर अली को किसी के बजाय वो एक चेंज मैं करके चल सकता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जब तक। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना।